अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी एनआर की टेलीफोनी से। गुजरात के एक पिराना गांव में आरएसएस के दहशतगर्द मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर भी किया जा रहा है। एक मजबूर आदमी ने बात करते हुए सारी तफसीलात बताई, मगर पता नहीं कब तक हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की पुलिस मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का तमाशा देखेगी। लेकिन एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये आरएसएस के टेररिस्ट मुसलमानों पर नहीं बल्कि मासूम हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं, और कुछ जाहिल नेता है जो अपनी कुर्सियों का गलत इस्तेमाल करते हुए इनका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान की तमाम आवाम से कहना चाहते हैं कि इस बार आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और एक बेहतरीन हुकूमत बनाने की कोशिश करें। आइए इसी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिक से एक बात कर रहा हूँ, पिराना दरगाह से। अभी आप देख सकते हो पिराना का पूरा गाँव हिजरत कर रहा है, देख सकते हो ये पूरा गाँव हिजरत कर रहा है पिराना का। अब लास्ट तक देख सकते हो पूरा गांव हिजरत कर रहा है, जबरदस्ती पूरे गांव के ऊपर आरएसएस के ढुल्लों ने आरएसएस वाले गांव में आ गए। 300-400 लोग आरएसएस वाले गांव में आ गए, पूरा गांव हिजरत कर रहा है। तमाम गुजरात के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए। पूरा गाँव खाली हो गया, पूरे गाँव ने हिजरत कर ली, देख लो। और मीडिया वालों को भी कहना चाहूँगा जल्द से जल्द मीडिया वाले भी आ जाए, जल्द से जल्द मीडिया वाले भी आ जाए, और तमाम जिम्मेदार लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। जल्द से जल्द वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।